हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी गार टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये कोर्स आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, RPF, SSC, GD, हरियाणा SSC और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस कोर्स की हर एक वीडियो को जरूर देखिएगा और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं और हिंदी में भी दिए गए हैं। मैं क्वेश्चन को हिंदी में कराने वाला हूँ, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी भूखंड, यानी भूखंड मीन्स होता है प्लॉट, ठीक है, भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिसमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करते हैं। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपये में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य था, यानी कि वो प्लॉट था कितने का, ठीक है। अगर ये 20% 20% 20% 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदा गया है तो ये इतने का प्लॉट मिला है, तो एक्चुअल में प्राइस कितनी थी उस भूखंड की, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 3 20 20% के बिचौलियों ने खाया है, मतलब प्रॉफिट बीच में कमाया है 20 20% का, ठीक है। तो इनको मैं एक बना लेता हूँ, इस परसेंटेज को मैं एक बना लेता हूँ। मान लीजिए 3 बिचौलिया है, 1 2 3, इसने पहले ने 20% कमाया, दूसरे वाले ने 20% कमाया और तीसरे वाले ने 20% कमाया, ठीक है। इनको एक कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है x + y + x × y/100। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम इन दो पे अप्लाई करेंगे, जो भी आएगा फिर उसको हम इसके साथ में अप्लाई कर देंगे, और फिर जो भी यहाँ पे आएगा वो कुल परसेंटेज आएगा कि कितना प्रॉफिट इसमें बीच में कमाया गया है बिचौलियों के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर अगर मैं देखिए डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इन दोनों का, अगर मैं इफेक्टिव परसेंटेज निकालूँ तो 20 और 20 40, दो को प्लस किया हमने, और 20 × 20 कितना हो जाएगा 400, और 400 को 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि डायरेक्ट मैं 44% यहाँ पे लिख सकता था, ठीक है। तो बट मैंने यहाँ पे आपको करके बताया, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखने में लंबा लगेगा, बट ये समझाने का तरीका है, ये कोई भी लंबा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताई दिया था वहाँ पे 44 आ गया है, ठीक है, इस वाले इफेक्टिव परसेंटेज के फॉर्मूले को अप्लाई करके। फिर मुझे क्या करना है नेक्स्ट, क्या बचेगा आपका 20% और ये 44 आ गया, 44 के साथ में इफेक्टिव परसेंटेज हम लगाएंगे, यानी कि एक परसेंटेज बना लेंगे, तो 44 + 20 44 × 20 तो कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा ये 64 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 88, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8.8। तो यहाँ पे 64 + 8.8 कितना हो जाएगा, 72.8 आपका हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जो ये प्राइस में ख़रीदा है, देखिए मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपये में ख़रीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य था, वास्तविक मूल्य कितना होगा भाई, वास्तविक मूल्य तो उसका 100 ही होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको मिला है, इसमें बीच में जो मीडिएटर थे, बिचौलिया थे, उन्होंने 72.8% कमाए हैं, 20-20% करके सभी ने, कुल उन्होंने कितना कमाया 72.8, यानी कि जो ये वैल्यू में ख़रीदा है 3,45,600, इसमें 72.8% उसने एक्स्ट्रा पे किया है, समझे आप इस चीज़ को। तो एक्स्ट्रा पे किया, इसका मतलब उसने जो प्लॉट की वैल्यू थी 100% की, वो प्लस जितना इन्होंने मीडिएटर ने लिया है, बिचौलियों ने लिया है, वो कितना है 72.8, ये भी इसकी वैल्यू इंक्लूड हो गई, यानी कि जो 3,45,600 है ये किसके इक्वल हो गया, ये 172.8 के इक्वल हो गया। और आपको परसेंटेज क्या निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, बस इस प्लॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू थी क्या। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3,45,600 को 172.8 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, ये कितनी बार जाएगा 2000 बार, और 2000 की यहाँ करेंगे हम 100 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2,00,000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्लॉट की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 2,00,000 रुपये थी, जो ये 2,00,000 से बढ़ के 3,45,600 आया, ये मीडिएटर के द्वारा आया, यानी कि मीडिएटर ने 20-20% करके 3 मीडिएटर ने खाया, तो उन्होंने कितना खाया, ये इतनी वैल्यू बढ़ा के, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन आर्ट नहीं था बिल्कुल भी, थोड़ा सा जो मैंने समझाने में टाइम लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे 3% हो गई। मान लीजिए यहाँ पे 4% होती, 4 ब्रोकर होते हैं ठीक है, यानी कि मीडिएटर होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक और होता 20% वाला, तो हम क्या करते इसके साथ में इसका हमने इफेक्टिव परसेंटेज निकाला, फिर इसके साथ में इसका निकाला, फिर इसके साथ में इसका निकालते। ये सबसे ईजी और बेस्ट मेथड होता है आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। ए ने बी को 10% के लाभ पर बेच दिया, बी उस वस्तु को वापस ए को 10% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में यानी कि पूरा का पूरा जो आपका एंटायर डील हुई है उसमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। भाई ए ने बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है, तो ए ने बी को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 100। देखिए जो भी कोई चीज़ हम बेचते हैं या फिर खरीदते हैं उसकी वैल्यू आपकी 100% की होती है। अगर इस पे प्रॉफिट ना हुआ हो, अगर इस पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 110% की। मान लीजिए इस पे होता लॉस 10% का, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 90% की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ने बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 110% की वैल्यू पे बेच दिया, फिर बी ने दोबारा ए को सेल कर दिया वो चीज़, और कितने के लॉस पे, 10% के लॉस पे। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, 10% का जो प्रॉफिट था ना इसमें 10 माइनस करके फिर यहाँ पे दोबारा से 100 लिख देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ये ए ने बी को बेचा 110% में और फिर बोला कि 10% की छूट पे यानी कि डिस्काउंट पे, फिर यानी कि लॉस पे भी बोल सकते हैं, बी ने फिर दोबारा ए को बेच दिया, तो इसका 110 का 10% निकालिए कितना है, 11, यानी कि ये इसने बी ने ए को 99 में बेच दिया, यानी कि ए से खरीदा 110, मान लीजिए मैं परसेंटेज को हटाता हूँ, 110 में खरीदा और 99 में फिर दोबारा से ए को बेच दिया। अब पूछा है पूरी एंटायर डील में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ए को प्रॉफिट हुआ है, तो 110 की चीज़ उसने 99 में बेच दी, तो यहाँ पे कितना हुआ है उसको, 11% का प्रॉफिट हुआ है ए को। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा है। किशन ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 18,000 रुपये में खरीदी, उसने 1,200 रुपये मिस्त्री को दिए तथा 1,800 रुपये का नया सामान डलवाया और उसे मोटरसाइकिल को 25,200 रुपये में बेच दिया, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। आपको यहाँ पे बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए 18,000 रुपये की उसने बाइक खरीदी, 1,200 रुपये उसे मिस्त्री को दिए, मतलब मिस्त्री ने खर्च किए, उसने सही वही करवाई वो, और 1,800 रुपये का नया सामान डलवाया, और 1,800 रुपये का नया सामान भी डलवाया, और अब उसने वो 25,200 की बेच दी, तो अब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो उसकी लागत हम बोल सकते हैं या फिर क्रय प्राइस बोल सकते हैं, वो 18,000 रुपये नहीं है, 18,000 रुपये प्लस 1,200 रुपये प्लस आपका ये 1,800 रुपये, ये मिलकर के उसकी बन गई कॉस्ट प्राइस, और इतने की उसने सेल कर दी, तो प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। देखिए उसने 18,000 रुपये में परचेज की, उसने मैकेनिक को कितने 1,200 और एसेसरीज यानी कि उसमें जो कुछ सामान डले वो कितने के डलाएँ 1,800 के, इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3,000 ये और 18 21,000, यानी कि उसकी जो लागत है वो 21,000 की है, सीपी प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी, 21,000 रुपये की बाइक को उसने आप बेच कितने दिया 25,200 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 4,200 का, ठीक है। अब यहाँ पे पूछे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 4,200 की चीज़ को, सॉरी 21,000 की चीज़ को जब 25,200 में बेचा तो 4,200 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 4,200 अपॉन में कितना लिखेंगे 21,000 और गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 21 से 420 जाएगा 20 बार, तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल पूरे बिजनेस में, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि एसेसरीज जो डली है, मशीन के जो चार्जेस दिए उसने मिस्त्री को, ये सब भी प्लस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे और उसने 40% लाभ पर बेचे, ठीक है, एक ग्राहक को 10 रुपये में कितने संतरे मिले। ग्राहक को, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से मैं एक बार पढ़ देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ। एक फल विक्रेता ने, यानी कि एक ऑरेंज सेलर ने, जो यहाँ पे ऑरेंज की बात की जा रही है ना, तो ऑरेंज सेलर ने
10 रुपए के 7 की दर से, यानी कि मान लीजिए 10 रुपए के 7 संतरे खरीदे, ठीक है, और उसने बोला है 10 से संतरे खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेचे। अगर वो 40% लाभ पर बेचे तो एक ग्राहक को 10 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे। अब थोड़ी सी यहाँ पे समझने की करते हैं कोशिश। उसने 10 रुपए के 7 संतरे खरीदे, बोला है कि 40% प्रॉफिट पे उसने बेच दिए। अब 10 रुपये की चीज़ है ये 100% की हमारी वैल्यू रही होगी। अगर इसमें मैं 40% प्रॉफिट इंक्लूड कर दूं तो ये 10% बढ़ के कितना हो जाएगा भाई, इसको निकाल लेते हैं। 10 हमारी कितना है, ये 100% है, ठीक है। जितने की चीज़ हम खरीदते हैं कभी भी आपका कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। तो 10 रुपये की चीज़ हमारी हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए 100% की वैल्यू है। अब हमें इस पर 40% का प्रॉफिट कमाना है, तो ये इसको 10 को 100 से तो हम डिवाइड करेंगे और गुना कितने से कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 140 से, क्योंकि हमें कमाना है 40% प्रॉफिट। तो ये कितना का हो गया, 14 रुपीज़। यानी कि उसने 10 रुपये में 7 खरीदे और 14 रुपये में 7 बेच दिए, ठीक है। तो 14 रुपये में वो 7 बेचेगा तो एक संतरा कितने का बेच रहा है भाई, वो 14 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो एक संतरा 2 रुपये का बेच रहा है। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे बोला जा रहा है एक ग्राहक 10 रुपये में कितने संतरे मिलेंगे एक ग्राहक को। तो ग्राहक 2 रुपये का एक खरीदेगा ना, ठीक है ना, तो 10 रुपये में कितने खरीदेगा, 10 को 2 से भाग कर देंगे 5, तो आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक टोकरी को 19.50 रुपये में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा। तो सीधा सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है 100%, मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ, 30% का प्रॉफिट कमा लेता है वो 19.50 रुपये में बेचकर। इसका मतलब क्या हुआ, 130% की वैल्यू आपकी कौन सी हो गई, 19.50, ये आपकी 130% की वैल्यू होगी और आपको कमाना कितना है, 40% प्रॉफिट, यानी कि आपको 140% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, 19.50 को कितने से डिवाइड करना है, 130 से, और गुणा कर देना है 140 से। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो से ये कट जाएगी आपकी। तो 19.5 को, यानी कि तो 195 को डिवाइड करेंगे 130 से, तो ये जाएगा 1.5। 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 में, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका 21 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 21। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि 40% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेंगे, तो 21 इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 3500 रुपये में खरीदता है, यानी कि एक मेज और एक कुर्सी, यानी कि दोनों के दोनों आइटम 3500 रुपये में खरीदता है। उसने मेज 20% लाभ और कुर्सी 30% लाभ पर बेच दी, इस प्रकार उसे कुल 23% लाभ प्राप्त हुआ, तो बताओ मेज का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी गई हैं जिससे आप एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दिया गया है मेज पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है और जो उसका कुर्सी पर उसे 30% का प्रॉफिट होता है। दोनों के दोनों में ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट होता है वो 23% का प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन वाले चैप्टर में समझाया था कि यहाँ पर जब भी 3 चीज़ें आपको दी होती है, पहले वाली मेज है, दूसरे वाली आपकी कुर्सी है, एक पे आपको 20% का प्रॉफिट, दूसरी पे आपको 30% का प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 23% का प्रॉफिट आपको ओवरऑल हो रहा है। इसका मतलब 23 आपकी जो एवरेज वैल्यू है बीच में रख ली जाएगी। यहाँ पे एलिगेशन मेथड में हमें बस एक ही चीज़ नोट करनी होती है कि जो बीच में वैल्यू रखी जाती है ये एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। तो अगर देखा जाए 23 आपका 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पे एलिगेशन आप लगा सकते हैं। तो एक साइड में आपने टेबल रखी, एक साइड में चेयर रखी, 20 जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट कमा जा रहा है टेबल पे और 30 कमा जा रहा है आपका चेयर पे, ओवरऑल आपका 23 कमाया जा रहा है प्रॉफिट दोनों पे। तो यहाँ पे हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे 3 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 7 आएगा, यानी कि जो टेबल और चेयर का, देखिए जो ये इस साइड में रेशियो आया ना, ये इस साइड में रेशो ये आपका टेबल का है और इस साइड में रेशो आपका चेयर का है, यानी कि 7 और 3 ये आपका जो रेशो आ गया, इसमें आपको डिवाइड करना है 3500 को। तो 3500 को आप डिवाइड करेंगे 7+3 से, यानी कि 10 से, और किसका निकालना है हमें,
टेबल का निकालना है, टेबल का प्राइस कितना था। तो इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 350 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 2450 आ जाएगा। ठीक है, तो 2450 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर कितना हो गया, बी इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पे पूछा गया था इस प्रकार से कुल 23% लाभ प्राप्त करने के लिए मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे 2450 आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यापार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय जो विक्रय मूल्य है वो 139 रुपीज अधिक होता तो उसे 5% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे हमें निकालना है सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, लॉस पर बेचा, 20% की हानि पर बेचते बेचते उसने उसके प्राइस बढ़ाए 139 रुपीज एक्स्ट्रा करके बेचा तो उसको 5% का प्रॉफिट होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, 20% के लॉस से निकल के वो 5% का प्रॉफिट कमाने लगा, किसकी वजह से, इस 139 रुपीज की वजह से। तो इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे सीपी हमें पता है 100% होती है, सेलिंग प्राइस जब वो 20% के लॉस पर बेचता था तो उसका सेलिंग प्राइस था 80, जब उसे 139 रुपीज़ बढ़ाए तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट होने लगा 5 का, यानी कि सीपी से बढ़ के कितना हो गया 105%। प्रॉफिट तभी तो होगा जब सीपी से ऊपर चला जाएगा, तो सीपी से बढ़ के कितना हो गया 105%, यानी कि उसको 5% का प्रॉफिट होने लगा। तो सेलिंग प्राइस उसका फर्स्ट तो पहले तो था भाई, यहाँ पे इतना चीज़ समझ लीजिए कि जो सीपी होता है ना आपका वो 100% होता है। अगर आपका लॉस होगा तो सीपी में से यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं लागत, उसमें से माइनस हो जाता है। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसमें प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट वाला है आपका 80% होगा, क्योंकि यहाँ पे 20% का लॉस था, यहाँ पे 5% का प्रॉफिट है, तो यहाँ से 105 का हो जाएगा सेलिंग प्राइस दूसरे वाला। अब अगर मैं ओवरऑल देखूँ, उसने 139 रुपीज़ बढ़ाए थे तो उसका 80 से बढ़ के 105% हो गया, इसका मतलब कितने का डिफरेंस आया, 25% का। ये हमें दिखता है यहाँ पे 5% का प्रॉफिट रहा है, बट इसके पीछे ये भी तो देखिए कि उसने 20% का लॉस भी कवर किया है, उसके बाद 5% का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब ओवरऑल उसने 25% कमाया है, और वो किसकी वजह से, 139 की वजह से। यानी कि 25% की वैल्यू हमें मिल गई 139, और निकालना क्या है 100% की वैल्यू, क्योंकि क्रय प्राइस जो हमारा होता है वो हमारा 100% होता है। ठीक है, तो 139 को हम 25 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 25 से 100 जाएगा 4 times 4 की 130 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 556, तो 556 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रमेश ने 20 किलोग्राम चीनी 18.50 रुपये किलोग्राम की दर से तथा 35 किलोग्राम चीनी 14.20 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदी, दोनों को मिलाकर वह प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि उसे 21% लाभ हो। ठीक है भाई, ये पूछा है कि 21% लाभ कब होगा, कितने में वो उसको सेल करे कि उसे 21% लाभ हो जाए। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एवरेज प्राइस निकाल लेना है कि अगर मैं इसको और इसको, इस प्राइस की चीनी को दोनों को मिला के सेल करूँ तो वो कितने में, यानी कि इनका एवरेज प्राइस क्या निकल के आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, एवरेज आपको निकालना आता ही है। 20 किलोग्राम चीनी खरीदी 18.50 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से, तो 20 की मल्टीप्लाई 18.50 में कर देंगे, और 35 किलोग्राम चीनी इस भाव से खरीदी तो 35 किलोग्राम की मल्टीप्लाई 14.20 में कर देंगे। दोनों के दोनों टोटल क्वांटिटी कितनी है भाई, 20 ये हो गई और 35 ये हो गई, कितना होगा 20 और 35 होगा 55, यानी कि 55 किलोग्राम चीनी आपकी टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 370, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 497। ठीक है, और इसको दोनों को प्लस करके 55 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना है 15.76, ये आपका एवरेज प्राइस आ गया। ठीक है, दोनों का एवरेज औसत प्राइस कितना है 15.76। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 21% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल किया जाए, तो इस प्राइस की चीनी को दोनों को मिला के पूछा है ना, तो दोनों की जो प्राइस मिला के एवरेज निकला वो 15.76 है, ये आपकी 100% की वैल्यू है,
ये आपकी 100% की वैल्यू, और आपको इसको कितना बनाना है 121%, जिसमें आपको 21% प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको 100 को बढ़ा के आपको 121% बनाना है, यानी कि 15.76 को आप डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 121 से सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा 19.07 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। और दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता रहे आपके लिए लगातार वीडियो बनाने का। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर आपने इसकी प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और दूसरी पीडीएफ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करते रहा करें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका आरपीएफ एसएससी जीडी या फिर किसी भी हरियाणा एसएससी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनको बताते रहिए और यहाँ पे लेके आते रहिए। ठीक है, तो जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो और एक अच्छे से चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।